पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज। आज हमने अटेंड किया है भूल भुलैया 2 अपकमिंग मूवी का प्रेस शो, जिसमें कियारा और कार्तिक आर्यन, जैसे कि हर बार की मूवी की तरह एक एनर्जेटिक और एक खूबसूरत एक्टिंग के साथ हर मूवी को का किरदार बहुत ही बखूबी निभाते हैं। तो इस मूवी में भी बहुत ही कॉमेडी भी है और हॉरर भी है, हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस मतलब एक ट्विस्ट, मेनली मैं कहूँगी तो एक बहुत बेहतरीन सा ट्विस्ट जो है, जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। हमारे से भी ज्यादा हरामी है, घंटा अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। और मतलब हॉरर भी थी, एक मजेदार सी मूवी थी जो कि अक्षय कुमार जी ने बहुत ही अच्छे से रोल प्ले किया था। तो इसी तरीके से इस मूवी में भी क्या है कि कॉमेडी भी है, ट्विस्ट भी है और हॉरर भी है, मजेदार है मूवी। अगर हम बात करें कार्तिक आर्यन की, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर अपना, जिस तरीके से वो पूरा रोल प्ले करते हैं हर मूवी में, एक कॉमेडी फेस उनका जो होता है इतने सीरियस तरीके से करते हैं, जैसे आप लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने कॉमेडी रोल भी प्ले किया है, प्लस हॉरर रोल भी प्ले किया है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने सभी चीजें अदा करी हैं। और इसी के साथ उनके साथ में है कियारा, है उनके साथ कियारा की अभी तक की जो मूवीज रही हैं सुपर हिट रही हैं, अच्छी रही हैं। तो इस बार की ये मूवी बहुत अच्छी रही है और बहुत अच्छा खूबसूरती से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। एक इंटरेस्टिंग बात इस मूवी में ये है, जो कि मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। तो इसमें ये एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट है, एक कैरेक्टर ऐसा है मूवी में जो स्टार्टिंग से एंड तक इस मूवी में रहता है, आपके सामने रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्विस्ट क्या है, जो कि लास्ट में आपको वो जो ट्विस्ट है वो बांध कर रखेगा और मजेदार जब वो सामने आएगा तो उसके लिए आपको मूवी देखनी है। सो ऑल ओवर ये है कि मूवी बहुत अच्छी हिट होने वाली है, जहाँ तक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और पसंद आई, आप लोग भी पसंद करेंगे, पसंद जब करेंगे, पहले आप देखने जाएंगे। सबसे अलग तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही न्यूज के लिए, ऐसे ही रिव्यूज के लिए देखते रहिए मेरे साथ फेस न्यूज।